आज का दिन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह अभी मैं जाके वीडियो अपलोड करूँगी और आप सब लोग सबसे मुलाकात करेंगे। आज कुछ ऐसा है कि आज मैं निज़ामिया बना रही हूँ। पार्टी है, एक जैन वेरा का एक फ्रेंड आया हुआ है, उसके पेरेंट्स आए हैं, तो उनके लिए मैं और नादिया एक वन डिश बना रहे हैं और खदीजा भी मेरे ख्याल से केक बना रही है। और हम बना तो मैं रही हूँ लेकिन एक्चुअली ये जैन और मरियम की तरफ से है, तो उधर बना के लेके चलेंगे और सारे इकट्ठे बैठ के उनको वेलकम करेंगे और अच्छा टाइम गुजारेंगे। वो लोग पाकिस्तान से आए हैं और इस दफ़ा ईद पे ना हम लोग काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं शिकागो में पाकिस्तान से, तो और उनको भी मैं पहले से जानती हूँ और मिलते रहे हम लोग मेरे बच्चों की शादियों पे भी वो आते रहे हैं, तो आज उनसे मिलेंगे खदीजा की शादी के बाद, तो उसका भी देखूँगी व्यू वगैरह की वीडियो तो मैं बनाऊँगी। बाकी भी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे आज मैं लज़ानिया बना रही हूँ, दो तीन दफ़ा मैंने वहाँ पर भी बनाया था लेकिन संभव वो फिर अपलोड नहीं कर सकी या कुछ हो गया, लेकिन आज मैंने वाइट सॉस से ही स्टार्ट लिया है, तो मतलब शुरू से बना रही हूँ, तो फिर ये भी देखें और फिर जहाँ लेके जाऊँगी वहाँ पर चलते हैं। लहसुन भी डालती हूँ, गार्लिक ज़रूर डालती हूँ, आज गार्लिक नहीं है तो मक्खन लिया है और अनियन और ग्रीन चिलीज, इसको बटर में पहले ज़रा सा डाल के खुशबू बटर में डालूंगी इसको मैं पैन में, और जब तक इसकी खुशबू नहीं आती इसको ज़रा सा भूनेंगे और साथ ही फ्लावर ऐड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो ये पहले ऐड करती हूँ, ये अनियन ग्रीन चिलीज गार्लिक जो कि मैंने नहीं डाला मगर होता है वो डाल के आपको इसको ज़रा सा भूनना है और आपको खुद ही पता चलता है कि जब ये भून जाएगा ना तो बहुत अच्छी सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, तब तक इसको भूनना है और फिर आगे क्या करते हैं मैं दिखाती हूँ। था बोनलेस टर्की का कीमा था, आप चिकन ले लें लेकिन मैंने उनके पास टर्की लिया है। इसको मैंने प्याज ब्राउन कीमे को मैंने प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक साबुत लाल मिर्चें साबुत ग्रीन हरी मिर्चें और नमक काली मिर्च के साथ मैंने इसको भून लिया और स्वीट कॉर्न्स भी मैं डाल रही हूँ और आज मैं इसमें पोटैटोज़ भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी एक कज़न की बहुत अच्छी रेसिपी है, उसमें वो पोटैटोज़ की भी एक लेयर डालती है, वो भी मैं आपको डाल के बताऊँगी कि वो कैसे लगता है। आई होप सबको अच्छा लगे और अब वाइट सॉस बन रही है। अच्छा ये तो गलेगा ही, ये जो होम मेड प्रीमियम मैरिनारा वो है पास्ता सॉस, इसको अच्छी तरह मैदे को भूनना ज़रूरी है इसमें ऐड करके, क्योंकि अगर नहीं भूनेंगे ना तो ये वो हो जाएगा कच्चा टेस्ट देगा, इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। ये
इसकी बॉटल इतनी प्यारी है, जिस दिन मैं आई थी तो उस दिन, और प्यारी है, दूध भी बहुत मज़े का, और ये ग्लास बॉटल है, तो मैंने जैन को कहा, उनका जैन यही वाला दूध लाया करना, दूध भी बहुत मज़े का, उसकी पैकिंग भी बहुत प्यारी है। तो अच्छा जी, अब मैंने खोला इसलिए कि मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये मैं वाइट सॉस में डाल रही हूँ। अच्छा, क्योंकि लोग ना माशाल्लाह से ज़्यादा सारे हैं, 13 तो वो लोग हैं, फिर हम लोग हैं, और तो इसलिए हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए चीज़ों की ना, ज़्यादा। और चीज़ें भी दो ही, मैं लज़ानिया बना रही हूँ और नादिया बना रही हूँ बिरयानी, तो इसलिए फिर दो चीज़ें हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा ज़रा क्वांटिटी उसकी रखें ताकि पूरी हो जाए सबको आराम से। अरफे आम में इसको बोलते हैं अल्फ्रेडो सॉस भी बोलते हैं। पता क्या, जो घर का काम होता है ना, वो दोनों दो मिलजुल के करें तो मज़ा भी आता है और किसी एक पे बोझ भी नहीं पड़ता। मेरे जब बच्चे छोटे थे, और मैं अक्सर बताती हूँ हर पॉइंट पे कि आबिद मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, बल्कि मैं तो सोचती मैं कुछ कर ही नहीं सकती अगर आबिद ना होते, और इनको बहुत जल्दी पता चल गया था कि बीवी कुछ नहीं कर सकती तो इनको हेल्प करानी है, तो कराते होते थे। तो मुझे तो यही बेहतर लगता है। यहाँ पे भी मैंने सब बच्चों को देखा है, मेरे तो दोनों बच्चों को, कि वो लोग मिलजुल के ही काम करते हैं, और कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड ड्यूटीज़ नहीं है कि फ़लाने ये करना और फ़लाने ये नहीं करना। तो क्या करें, क्योंकि एक इंसान में ना इतनी एनर्जी नहीं होती कि वह सुबह से लेकर रात तक काम कर सके। तो हम लोग सारे अभी चारों रह रहे हैं, तो हम चारों काम कर रहे होते हैं। कभी किसी दिन मैं डेली कुकिंग नहीं करती, किसी दिन जैन कुछ बनाता है, मरियम कुछ बनाती है, आप एक नाश्ता फ्राइड एग्स वगैरह हमें दे देते हैं, तो सब मिलजुल के चलते हैं। अच्छा, मैं कनोट क्यूब्स डाल रही हूँ इसमें वाइट सॉस। फिलाडेल्फिया चीज़ जो है ना, वो मैंने डाली है, क्रीम चीज़ 2 टीस्पून मैंने डाली है। अच्छा, मैंने ना फ्लावर इसमें कम डाला है, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ी सी नरम अच्छी लगती है वाइट सॉस, इसलिए। एक लाइट और एक ये शार्प चीज़ है, तो ये मैं शेडेड है, ये मैं सबसे ऊपर डालूँगी, अभी एक नीचे में डालूँ। अब मैं इसकी असेंबलिंग शुरू करने लगी हूँ। ये क्योंकि मैं ना थोड़ा सा बेक भी करूँगी, तो इसलिए इसकी ये देखिए इस तरह रखी है वाइट सॉस, बहुत हंस हंस पे जायका। आपको पता है मेरा सॉल्ट थोड़ा होता है, और काली मिर्च ज़रूर डालें, ब्लैक पेपर का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा। अच्छा, पता है अगर जो ये काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें ना, तो ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता। हार्मफुल जो, और जो एसिडिटी और ये सब कुछ कहते हैं ना, वो इसलिए होता है अगर इसकी आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे, और अगर आप तेल वगैरह घर में अच्छा नहीं यूज़ हो रहा होगा, अच्छी क्वालिटी करेंगे, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। ये सारी जो बाकी चीज़ें ना, काली मिर्च, ये तो मुझे पता था खांसी इन सब चीज़ों के लिए अच्छी है, मेटाबॉलिज्म तेज़ करती है, ये भी पता था। मुझे ये नहीं पता था ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छी है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो नेचुरली आपको फिर आपको खाना भी जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट होगा। पाकिस्तान में जो मैंने एक दफ़ा आपको बताया था ना लज़ानिया, उसमें मैंने ये जो स्ट्रिप्स हैं ये भी मैंने खुद बनाई थी, लेकिन जहाँ पर मैं इससे बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत बारीक और अच्छे वो पैनकेक्स वाली रेसिपी से नवीद बना लेता था, वैसे वो मैं इधर भी बना सकती हूँ, मैं बनाऊँगी किसी दिन, बनाऊँगी इंशाल्लाह किसी दिन। वहाँ पर जो अच्छा, सबसे पहले मैंने वो बैक ऑफ द माइंड में है ना, इतने 2-3 दिन से, सबसे पहले तो वो था जो ट्रेजिडी हुई है वहाँ पर, ग्रीस जाते हुए पाकिस्तानियों के साथ, सबके साथ ही, सिर्फ पाकिस्तानियों का मैं जिक्र नहीं कर रही, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत दुआएं भी उन सब लोगों के लिए भी, लेकिन दुनिया के और ऐसे हालात हैं जिनसे लड़ने के लिए, अपनी फैमिली की
बेहतर फ्यूचर के लिए वो लोग सब गए थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद संडे को जो सबमरीन चली गई, गए थे वो लोग टाइटैनिक के जो देखने के लिए, जो भी कुछ उसके थे, क्या से बोलते हैं, जो डूबी हुई टाइटैनिक को देखने के लिए, और उनके साथ ट्रेजिडी हो गई। कल इस वक्त तक वो वी अज्यूम्ड कि वो लोग जिंदा थे, और हम लोग सब दुआएं भी कर रहे थे कि अल्लाह करे कुछ कोई मिरेकल हो और वो बच जाएं। तो बस मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी गुर्बत की वजह से अपने घर से दूर गए थे, और कुछ लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ था कि वो इतने पैसे खर्च के उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे शायद कभी कोई उससे पहले गया ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था वहाँ भी आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। लेकिन मैं ना एक चीज़ सोच सोच के मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं हर तरह से मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, फील करना चाहती हूँ कि क्या मेंटल स्टेट होगी कि आप एक ऐसी सबमरीन में बैठ के इतने गहरे पानी में जा रहे हैं जिसका कंट्रोल उसके अपने जो पायलट जो उसको चला रहा है उसके पास भी नहीं है, वो क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा, मुझे बस समझ नहीं आती। लेकिन बस वही बात है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और एक तो ये जो है ना जो बग़ैर वजह के जो एडवेंचर्स हैं, मैं इससे भी बहुत घबराती हूँ। अपना ख्याल रखें, अकल से सोचें, अकल से काम लेना चाहिए, लेते हैं वैसे तो, लेकिन जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही होगा और सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अफसोस है इन दोनों केसेस का ही मुझे कल से बहुत सारे DMs आ रहे थे कि आप हमेशा जो भी कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है आप उसके बारे में ज़रूर बात करती हैं, लेकिन इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे जहन पे ये बातें सारी कितनी ज़्यादा सवार थी और मैं कितना इसके बारे में सोच रही थी। अब मैं ये पोटैटोज डाल रही हूँ इसमें। मेरी कज़न है बाजी जुबीना जो आती रहती हैं अक्सर, मैं जब कभी हम मिलते हैं तो वो भी मेरे साथ मेरी वीडियोस में होती हैं, वो लज़ानिया में आलू डालती हैं, तो अब मैं भी जब से मैं उनके खाए हैं तो मैं भी अक्सर डालती हूँ पोटैटोज अक्सर। जब बच्चे बह रहा हूँ तो डालती हूँ, जब मैं और आबिद हम लोग अकेले हों घर में तो मैं नहीं डालती। आज वो डाल दूँ। ये सिर्फ मैं पोटैटोज पे डाल दी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट। अच्छा, अगर आपकी स्ट्रिप्स या आपका पास्ता थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, तो ये पास्ता इसको थोड़ा सा दोबारा गर्म पानी में से गुजार लिया करें तो ये दोबारा से वो हो जाती हैं, ड्राई नहीं रहती हैं, इतना फ्रेश हो जाती हैं। जो मैंने एल्फ की फाउंडेशन ली थी उसके बारे में भी सब लोग बहुत पूछ रहे हैं, वो मैंने अच्छा आज मैं वो अप्लाई करना बिल्कुल भूल गई हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो फिर मैं तभी बात करूँगी जब अप्लाई कर रही हूँ उसके बारे में। कभी डालती हूँ जब मेरा मर्जी होती है तो मैं डाल देती हूँ।
आई होप अच्छा बना होगा। और इसको मैं जाने से पहले, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, मेरे जिस बच्चे का घर है उधर जाके मैं मोस्ट प्रॉब्ली खुद के घर जाके मैं बेक करके फिर आगे लेकर जाऊँगी। अच्छा अभी मैं अब चलूँगी, मैंने अल्ता जाना है, मैंने अपना कंसीलर चेंज कराना है और बस चलती हूँ फिर आगे। आ गई हूँ आज मैं चेंज करवाने के लिए। और ये है मेरे आज के ड्रेस, ज़ारा का लोअर था ये, है ना, ज़ारा का था ना, किसका था, हॉलिस्टर, हॉलिस्टर का। ये वाला था, फिट मी का था कंसीलर। इसमें मैं नए वाला निकालती हूँ। मैं कौन सा कलर लूँ, लाइक इसको 01 ले लूँ। ठीक है, एक चीज लेने आते हैं तो छह चीजें लेके तो ले सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा ये फिट मी ले लिया मैंने कंसीलर, और साथ में आज मैंने एक और चीज़ ली है, वो बताऊंगी कि क्या है। खुशी खुशी गई थी मैं अल्टा से, मैंने चीज़ वापस की, बहुत खुश गई थी और बहुत दुखी वापस जा रही हूँ, क्योंकि ज़ारा पे सेल थी, बहुत अच्छी सेल, बहुत अच्छी सेल। और रुक नहीं सके हम लोग, क्योंकि जैन को कार चाहिए थी, और तो हम लोग बस फौरन वापस जा रहे हैं, और रात को डिनर है, तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि हम कल सुबह आंख बाद में खोलेंगे और पहले हम आ जाएंगे इधर और ज़ारा पे सेल देखेंगे, और फिर उसके बाद हम रात तक इंशाल्लाह ताला जब तक दुकानें बंद नहीं होंगी हम इधर ही फिरेंगे, ये सोच लिया है। अल्लाह करे हम इस पे अमल भी करें। ये ठीक हो गया? हाँ। हमारा भी है, चेक करना चाह रही हूँ कर रहे हो गरम हो रहा है मुझे, है कि बुला नहीं सकता, मतलब ऑयल आ गया था इसमें, दो तीन आते तो अच्छा। मैं बता देती हूँ कि लज़ानिया मैंने बनाया है, ये मेरी बहन ने बनाया है बिरयानी, और ओट्स के साथ भी बने बने बनाए हैं, केक खदीजा ने बनाया, और दाल हाथ दाल हाथ जो मिस्टर के पास है वो हैदर की मदर, थैंक यू वेरी मच आमरा, हमें सबूत के लिए वीडियो बना रहे हैं कि हमें इतने अच्छे लगे हैं गिफ्ट, बहुत प्यारी शॉल है, उनका कुर्ता भी बहुत अच्छा है, हम सब लोगों के लिए इतने सारे, इतनी दूर से नाना गिफ्ट्स उठा के पैक करके हमारे बारे में सोचना सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सोच के। और ये खादी का कुर्ता है मरियम के लिए, इसी तरह खदीजा के लिए, हमजा खान, सब के लिए। और अब हम कपकेक्स खा रहे हैं, शेजी जी आपकी तरफ से हैं, बहुत क्यूट और अच्छे कपकेक्स हैं, ये बहुत अच्छा होता है ये वाला। मैं ये भी धोती मेरे पैकेट में रखती हूं, दो तीन।
सबसे गंदा कौन सा है? सबसे गंदा मरियम, ये सबसे गंदा होगा, वो गंदा ही लग रहा नादिया, तुमने ये कौन सा ये वाला? सबसे केसरिया तेरा।